कौन है? भक्ते माते मन। तुम लोग हो क्या? आ गई मेरी याद, जल्दी आना होगा। ओके माते, थैंक यू। माय प्लीज। रामू काका, चाय में नमक बहुत तेज है। माते, भक्तों ने कहा है कि माता को जो श्रद्धा से दो वो ले लेती है। तुम्हें अब सपने में भी श्रद्धा नहीं दूं। चलो भक्तों, सब अपनी अपनी समस्या बताओ। हे माता रानी, मैं रोज एक फेसबुक पे नया वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उसको 10-20 से ज्यादा कोई लोग देखते ही नहीं है। माता रानी, मैं आपकी रोज पूजा करूंगा, बस उनको एक काम करोगी, मेरा मेरे फेसबुक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 10-20-50,000 लाइक बढ़ा दो ना, प्लीज माता रानी, प्लीज। ए या मैं लाइक्स के लिए मरी जा रही हूँ, तुमको कहाँ से दूँ? 400-500 के ऊपर लाइक्स नहीं आता है। पहले मुझे मिले, फिर तुमको मिलेगा। चलो नेक्स्ट आओ। माता रानी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मैसेज आया था कि 11 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो तो तुम्हारे संग अच्छा होगा। मैंने माता रानी 11 लोगों को ही मैसेज फॉरवर्ड किया। मैंने सोचा मेरी पर्सनल बीवी, बड़ी वाली गर्लफ्रेंड, छोटी वाली गर्लफ्रेंड, सब एक परिवार में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। सब चले गए माता रानी, पुत्रिका कैसी बात कर दी तुमने? ये असंभव कार्य, एक घर में 3-4 महिला, असंभव है। नेक्स्ट। ना माताजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक छोटी सी चीज सिखा दो, मुझसे नहीं होता। अभी मुझे कहेगी माता रानी दर्शन दे दो, पृथ्वी पर आ जाओ, मेरा आके फ्रेंच मैनीक्योर पेडीक्योर भी कर जाओ, तो मैं क्या धरती पे आके ये सब करूंगी कि तुम्हें पाउट बनाना सिखाऊं? हम भगवानों का तो पाउट भी नेचुरल है, बाय गॉड। चलो नेक्स्ट आओ। हे माता रानी, प्लीज मुझे हिस्ट्री में पास करा देना, कि अकबर, खिलजी, कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे तो सिर्फ पद्मावती समझ में आती। प्लीज 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 मुझे हिस्ट्री में पास करा दो। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये 51 रुपए का पर्सेंट में पक्का छड़ाऊंगा, प्रॉमिस, बस मुझे हिस्ट्री में पास करा दो। 51 रुपए में कुछ नहीं होता, अभी मेरे घर पे भी तो ब्रह्मा जी आएंगे और विष्णु जी आएंगे और वो मेरे फेवरेट है ना शिव जी, वो भी तो आएंगे। 51 रुपए में उनका दूध की चाय भी नहीं बनेगी। 5100 तो आगे का सोचूंगी। हे माता रानी, मैंने पूरे 9 दिन का उपवास किया था, पूरे 9 दिन का, और सुबह से शाम तक माँ मैं कुछ नहीं खाता था, सिर्फ शाम को कुट्टू के आटे की रोटी, साबुत चने की खिचड़ी, आलू की सब्जी, सलाद, मिक्स वेज का रायता खाता था, और माँ खाने से पहले भी ना मैं आपको भोग लगाता था, लेकिन जब से उपवास खत्म हुआ है ना माँ, पूरे पेट में गुड़ 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 हुई जा रही है। माँ प्लीज कुछ कीजिए माँ, एक मिनट आता हूँ। माता जी, भक्त भक्त। समय मेरा, त्योहार मेरा, गरबा में गए तुम, लड़की पटाए तुम, डेट पे लेके गए तुम, डेट पे उनको पिज्जा बर्गर खिलाए, हमको पूछे कभी हम क्या खाना चाहते हैं? हमारा भी तो पाव भाजी खाने का मन करता है, हमारा भी तो छोले भटूरे खाने का मन करता है। इसके लिए तुम्हें लूज मोशन नहीं मिलेगा, और इस कंप्लेंट के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा घुस घुस मिलेगी। श्राप देती हूँ मैं तुमको, श्राप। लक्ष्मी मैसेज कर रही है, तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में। थैंक्स गर्ल। मेरे भक्तों की डीपी तो चेक करो जरा। एक बात बताओ,
सिर्फ डीपी में आती हूँ, दिल में नहीं आती।